हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि 64वीं बीपीएससी का प्री जब का रिजल्ट जब से निकला है, तब से काफ़ी हंगामा हुआ है। और बीपीएससी भी है जो कि इस बार है, जो कि काफ़ी गलत आंसरों के साथ रिजल्ट जारी किया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो 64वीं बीपीएससी प्री के आंसर संशोधन के मामले में बीपीएससी के डालमटोल के रवैया का अगला कदम क्या होगा? तो महासत्याग्रह होगा। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बताया कि बीपीएससी ये जो कि झुक गया है या जो कि मानने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया था कि इनके द्वारा इस तरह का टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। पहले 18 तारीख को गए लोग मिलने, तो 26 को बुलाया, 26 को इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं जो कि शुरुआत में कि एक्सपर्ट मेरे जो आंसर गलत नहीं दे सकते हैं वो बिल्कुल सही है। फिर 26 तारीख को है, जो कि फिर बहुत दबाव बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक सप्ताह के बाद है जो कि आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट की क्या राय है। फिर जब इन्होंने एक सप्ताह बाद गया 3 मार्च को, तो 3 अप्रैल को, तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ भी लिखित नहीं दूंगा, मैं जो कि जब मेंस की तिथि घोषित कर दी जाएगी तो समझा जाएगा कि कार्रवाई नहीं हुई है उस। अगर ऐसा हुआ तो पूर्व में आपको सूचना दी जाए। अब कब तक दी जाएगी इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। तो ये मतलब टाल मटोल कर रवैया, किसी तरह लड़के शांत रहे, लेकिन अगर शांत रहेंगे तो इसमें छात्रों की हार होगी। और बीपीएससी जो जिस तरह रिजल्ट गलत आंसरों के साथ जारी किया है, उसे सुधार फिर वही गलत रह जाएगा। और ये 65वीं बीपीएससी में भी जारी रहने की संभावना है। अगर इस बार सुधार नहीं हुआ तो निश्चित है कि ये प्रक्रिया लंबी चलेगी और बीपीएससी ई ऑप्शन की बदौलती है जो कि गलत आंसर कभी डिलीट कर देगा, तो कभी वही क्वेश्चन को सही कर देगा, तो कभी गलत कर देगा। तो निश्चित रूप से जो कि ये टाल मटोल का रवैया है जो कि बीपीएससी का है, और इसमें कोई शक नहीं कि बीपीएससी अभी माना है ये टालने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा हथियार है मेंस की डेट, और उसी को हथियार बनाकर लड़कों को जो डरा रहा है कि मैं डेट घोषित कर दूंगा, तो ये समझना है वो समझना है। तो इससे संबंधित है जो कि 15 अप्रैल 2019 को जो कि सत्याग्रह महासत्याग्रह का प्लान बनाया गया है, जिससे कि कम से कम सरकार और बीपीएससी के पास आवाज़ पहुंचे कि नहीं, अन्याय तो हुआ है, तभी ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं। इतने आश्वासन अगर बीपीएससी के साथ दिया भी गया, फिर भी ये लोग मानने को इनकार नहीं, क्योंकि बीपीएससी का रवैया अगर उनको देने का रहता तो उन्होंने डेट जरूर दे देते कि मैं निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ न कुछ बताऊंगा इस तारीख को, लेकिन उन्होंने सीधे साफ इनकार कर दिया कि आप इंतजार कीजिए। तो इससे संबंधित एक वीडियो है जो उसको आप देख सकते हैं, तो देखिए। अगर कोई मांग रहा हो तो
आपको ना दे, आपसे यही विनती है कि पैसा किसी को ना दे, हम लोग नहीं मांग रहे हैं पैसा, बस आप लोग फिजिकली प्रेजेंट होइए, मोरल रूप से हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और हम लोग का सत्याग्रह जारी है, हम लोग जगह जगह जाके कोचिंग में कहीं भी किताब स्टॉल पे स्टूडेंट को ये बता रहे हैं, इस तरह हम लोग के साथ ये अन्याय हो रहा है, और आप लोग भी जहाँ भी रहते हो, चाहे कोचिंग में हो, कहीं भी हो, बताइए किस पोस्टर पे आपको आपत्ति है, उसका क्या बोलते हैं, उसके बारे में आप ही चर्चा कीजिए, और हम लोग जहाँ पटना में है तो पटना में हम लोग जितने भी टेम्पो है ऑटो है उसमें हम लोग कल से ये काम करेंगे, जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको हम लोग पोस्टर के साथ हर एक ऑटो पे लगाने का काम करेंगे, और आप लोग से भी संभव हो जहाँ भी रहते हो ये काम कीजिए, कोचिंग के सामने लगाइए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो किसी भी पीएससी स्कैम करके आप जिस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और हम लोग भी करेंगे, और ये सत्याग्रह हमारा रुकेगा नहीं, हम कोचिंग आयोग का वेट करते हैं, क्योंकि सभी महोदय ने कहा है कि हम लोग वेट करते हैं, और 15 अप्रैल को हम लोग महासत्याग्रह करेंगे, जिसमें दिल्ली के साथी को भी आना है, और जो भी लोग आना चाहे, चाहे वो एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी दिल्ली फोर्थ सिटी पास हो, वो लोग भी आए, हमारा मॉरल सपोर्ट करें, क्योंकि बीपीएससी की बात नहीं है, बीपीएससी पहले भी कर चुकी है और आगे भी करेगी, फोर्थ से डिसीजन जो भी है उसके मतलब नहीं है, फोर्थ से डिसीजन तो पहले भी आ चुका था, क्या होगा बीपीएससी क्यों नहीं करती, फिर आगे भी करेगी, इसके लिए जरूरी है एक बार जोरदार आंदोलन होना चाहिए, ताकि सरकार को और बीपीएससी को और अन्य आयोग को जैसे सबको ये पता चले कि नहीं स्टूडेंट अब रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और अन्याय को सहने वाला नहीं है, इसलिए 15 अप्रैल को हम लोग महासत्याग्रह, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह वीडियो में उन्होंने दिलीप जी ने बताया कि आप केस की प्रक्रिया भी है जो कि तीव्र करनी पड़ेगी, जहां से भी आपको कम पैसे लगते हैं वहां से आप पेटिशनर बन सकते हैं, तो मतलब दोनों तरफ से जो कि बीपीएससी पर है जो कि प्रेशर बनाने का प्रोसेस है, और निश्चित रूप से बनाना भी चाहिए, और 15 अप्रैल को महासत्याग्रह है, इन्होंने जो प्लान बताया है इसमें अगर वीडियो ठीक से नहीं सुनाई दिया क्योंकि बाहर में शोर भी हो रहा है, कि टेम्पो पर भी अगर जिनको जो सुविधा है हर टेम्पो पर जो कि आप बीपीएससी का जो इन्होंने धांधली किया है उसके बारे में लोग चिपकाएंगे, तो मतलब एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, जितना ये जो मुद्दा है जो कि फैलेगा उतना ही बीपीएससी पर और सरकार पर भी दबाव बनेगा कि ये लोग चुप नहीं रहेंगे, तो अब देखना है कि कहाँ तक है जो कि बीपीएससी, कुछ हद तक तो एकदम 100% इग्नोर से तो बीपीएससी बचा है, कुछ हद तक इन्होंने टाल मटोल के कम से कम सुना है, दबाव के कारण नहीं सुना, ऐसा नहीं कि बीपीएससी पहले कभी सुना हो, इस तरह दबाव बनने के बाद सुना है, और जितना दबाव बनेगा बीपीएससी है जो कि खुद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट के सहारे ही बीपीएससी आंसर संशोधन कर सकते, अगर सरकार भी दबाव बनाए बीपीएससी पर, बीपीएससी भी खुद समझ जाए कि अभी लोग रुकने वाले नहीं है, तो आंसर संशोधन हो सकता है, और संख्या जहाँ तक बात है तो संख्या ये कितनी होगी तो मुश्किल कहना है, लेकिन अगर ये 10,000 भी हो सकती है, ये 20,000 भी हो सकती है, क्योंकि एक बार जो 53 से 55 घटी थी वो 4 नंबर घटी थी, और हो सकता है इस बार क्योंकि संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन की 15 क्वेश्चन के लगभग हैं, तो निश्चित है कि ये 8 या 10 अंकों भी घट सकते हैं कट ऑफ, तो देखना है कि बीपीएससी किस तरह है जो कि पर दबाव बनाया था और किस तरह है जो कि वो मानती है या कोर्ट के आदेश से मानती है, लेकिन इस बार कुछ न कुछ तो संभावना लग रहा है कि अगर इस तरह विरोध हो रहा है कि निश्चित रूप से चेंजिंग होगी, तो अब आगे क्या होगा इसको देखना, धन्यवाद।